हेलो चिल्ड्रन, हम सिंपल वर्क करेंगे ग्रीटिंग कार्ड्स। देखिए, घर में अगर आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेपर्स, कलर पेपर वगैरह रहते नहीं हैं और हमें इमरजेंसी में ही ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना है, पेरेंट्स को जाने को फुर्सत नहीं, ऐसे में देखिए किस तरह से जो हम वेस्ट चीज़ों को, मटेरियल को लेकर किस तरह से हम बनाएंगे ग्रीटिंग कार्ड्स। अब सडनली टीचर्स डे सामने आ गया है और घर में पेपर्स हो न, तो देखिए किस तरह से हम उसको करेंगे अरेंज। जो मेरे पास वेडिंग कार्ड्स थे, मैंने उसमें से एक कलर सेलेक्ट कर लिया है। इसको जो है कैसे बनाया जाता है, मैं देखिए पेपर की तरह पेपर ही होते हैं, इसको जो वेडिंग कार्ड्स होते हैं उसमें से हम सिलेक्टेड कलर्स लेंगे और डिज़ाइन। तो मेरे पास एक ग्रीटिंग या वेडिंग कार्ड था, उसे मैं ग्रीटिंग कार्ड बनाने जा रही हूँ। तो देखिए कैसे बनाना है, यहाँ पर गोल्डन कलर के थोड़े उसमें फ्लावर्स है, मैं उसको कटिंग कर लूँगी। तो जो कटिंग करना है हमें पहले सिंपल उसमें से कट कर लें जो भी हमें डिज़ाइन पसंद आता है। बहुत सारे घरों में वेडिंग कार्ड्स भी रहते हैं, अलग अलग कलर के भी आप ले सकते हैं। मैं एक ही कार्ड से बनाने आपको बता रही हूँ। तो किस तरह से अगर हम घर में बनाएं तो पेपर अवेलेबल नहीं है, तो किस तरह से हम उसे कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने उस पेपर को जो है कटिंग कर ली है और देखिए उसको सिंपल से दो कलर मुझे मिल गए यहाँ पर, एक क्रीम कलर पर और एक थोड़ा ब्राउन कलर पर। तो यहाँ इस डिज़ाइन को बराबर से कट कर लें। तो ये देखो पीस मेरे जो मुझे बनाना है, मुझे मेरा जो भी चीज़ें हैं मटेरियल मिल गया है। तो मैं यहाँ पर इसको एक साइज़ सिलेक्ट कर ली हूँ। मेरे पास पेपर भी नहीं था, वाइट पेपर भी नहीं था, तो एक नोटबुक का जो रफ बुक मेरी यूज़ थी उसमें से एक ग्रीटिंग कार्ड साइज़ का पेपर ले लिया मैंने, वाइट पेपर। अब उस पर मुझे पेपर पर अरेंज करना है इस तरह फोल्डिंग करके। जो फ़ैन बनाते हैं हम पेपर को आगे पीछे फोल्ड करके, हम एक फ़ैन की तरह बना लेंगे, बंच ऑफ फ्लावर की तरह। तो ये देखिए हमारा जो एक जो बनाई मैंने यहाँ पर फोल्डिंग आगे पीछे करते हुए, इस तरह से एक फ़ैन बन गया है। अब उसको किस तरह से अरेंज करेंगे, तो बड़ा हिस्सा ऊपर वाला जो ऊपर रखेंगे और छोटा उसको जो पकड़ने का हिस्सा जो रहता है, जैसे फ्लावर बुकेस होते हैं, इस तरह से हम उसको बनाना है। तो ये साइज़ देखेंगे थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब मैं इसको थोड़ा कटिंग करके लूँगी और अरेंज करूँगी। तो इसको बनने के लिए हम जो भी चाहे यूज़ कर सकते हैं, मैंने अब पेपर का ही यूज़ किया है। तो पेपर को फोल्ड करके थोड़ा डिफरेंट कलर में ले लें तो अच्छा रहता है। इसको फेविकोल की मदद से ही हम लगा लेंगे, और ना आपके पास ऊन है तो उससे भी हम उसको लगा सकते हैं। तो यह मैंने पेपर का ही यूज़ किया है कि बच्चों के पास जो चीज़ें रहती हैं उसी को यूज़ करना मैंने सिखाया है। वेस्ट चीज़ों को हमने किस तरह से ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, तो टीचर्स भी देखकर खुश होते हैं, ऐसे चीज़ों को किस तरह से बनाए हैं पूछते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है कि ऐसे वेस्टेज मटेरियल को हमने लेकर इस तरह से बनाया है। तो देखिए यहाँ पर जो बंच ऑफ फ्लावर का जो है एक आइडिया तैयार है। अब मैं इसके कॉर्नर्स को यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ गोल्डन कलर के जो मेरे पास जो कटिंग वर्क है, मैंने उसको एक कॉर्नर में फिट किया है, यहाँ भी अटैच कर रहे हूँ। देखिए तो अपने अपने मर्ज़ी के मुताबिक उसको हम प्लान दे सकते हैं, आइडिया से कहाँ जहाँ लगाना है वहाँ लगा सकते हैं। ये मैंने सिंपल तरीका, छोटे बच्चे भी इजीली कर सकते हैं, इस हिसाब से मैंने दिखाया है। तो दो कॉर्नर को मैंने ये डिज़ाइन फिट किया है और जो बंच ऑफ फ्लावर था उसको इस साइड में लगा दिया है। छोटे छोटे फूल भी उसमें थे, वो भी कट करके आप लगा सकते हैं, मैं एक ही आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग लगाया है। अब जो मुझे दूसरा आगे बढ़ना है, तो यहाँ देखिए अपने अपने ख्याल के मुताबिक आप उसको हार्ट भी लगा सकते हैं, बो बना कर भी लगा सकते हैं। मैंने ईजी होने के लिए फ्लावर्स कट करके लगाए हैं, और ये जो फ्लावर आप जानते हैं किस तरह से बनाए जाते हैं, स्क्वायर पीस कट करके उसको राउंड शेप में कट करने से इस तरह के फूल बनते हैं। वीडियो लंबा होता है इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारी वीडियो में कटिंग वर्क दिखाया गया है। तो ये जो है फूलों को थोड़ा अट्रैक्शन लाने के लिए मैंने सुग्रीन पत्ते लगाए हैं। आप बहुत सारे फूल भी लगा सकते हैं, इतना ही नहीं कि इतने ही फूल काफ़ी, ऐसा नहीं है, आप और भी फूल लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा
इजीली ग्रीटिंग कार्ड्स तैयार है। अब उसमें आपको टीचर्स को अगर कुछ लिखना है तो अंदर भी पेपर को खोल कर लगा कर लिख सकते हैं और ऐसे हार्ड बना कर भी आप उसको लिख कर लगा सकते हैं। तो देखिए इजीली घर बैठे आप ग्रीटिंग कार्ड बनाएं और टीचर्स को दें, मम्मी भी उनके साथ थोड़ा हेल्प करें क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इस तरह के एक्टिविटीज़ बच्चे खुशी से घरों में करते हैं। आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट्स करने से मालूम होता है कि क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। ओके, थैंक यू सगेन।